हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। और एट द रेट डॉक्टर आलम, आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2024 का, जो रिजल्ट 2024 का आने वाला है आज। जैसे टाइमलाइन थी उसके अकॉर्डिंग आज यानी 30 जून को रिजल्ट आना था, और सुबह से जो वेबसाइट है इस पर चेंजेस देखने को मिले हैं। जो पुराने लिंक थे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, रिजल्ट को डाउनलोड करने का, वो यहाँ से गायब हो गए। लेकिन जो पुराना वाला लिंक है जिससे हम रिजल्ट डाउनलोड कर रहे थे वो अभी भी वर्किंग है। लेकिन उससे जो डाउनलोड कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि जो पुराना वाला रिजल्ट है वो डाउनलोड हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछना चाह रहे थे कि जो रिजल्ट है वो क्या सभी का आएगा। तो आंसर है बिल्कुल, आपने चाहे एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, रिज़ल्ट सबका दोबारा से रिलीज़ होगा, क्योंकि जो रैंक है वो सबकी चेंज होनी है। अब कितनी रैंक चेंज होगी और क्या कट ऑफ चेंज होगी, ये रिज़ल्ट के आते ही बता दूंगा मैं। यहाँ पर जो वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट फाइनल आंसर की का आ चुका है। नॉर्मली ये होता है जैसे ही आंसर की अपलोड होती है उसको कुछ देर के बाद ही जो है रिज़ल्ट का जो लिंक है यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो लिंक यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, जो पुराने वाला लिंक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। अभी आया नहीं, जैसे ही अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बहुत टाइम से मैं भी इसी में लग रहा था कब आए वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी थी कि आप ये बता दें कि जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है तो उनका सबका आएगा या सिर्फ जिन्होंने दिया उनका आएगा। तो ये साफ सब सुन लें, सबका आएगा, आपने एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि इसमें रैंक सबकी चेंज होगी। अब कितनी चेंज होनी है वो रिजल्ट के बाद पता लगेगा। कैसे डाउनलोड करना, और हाँ एक और चीज़, जो डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं है। अब कैसे आप चेक करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, और लिंक के थ्रू। तो इसके लिए आप डायरेक्टली NTA नीट रिजल्ट 2024 जब आप डालेंगे, तो सबसे ऊपर जो पुराना वाला लिंक था जिससे जो काम कर रहा था, हालांकि फिर से ये सेम लिंक को यहाँ पर ओपन कर देंगे, अभी पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो पुराना वाला लिंक था यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज जिस पर आपको डबल क्लिक करने के बाद, यहाँ पर अभी ये देखो काम करने में भी दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है क्योंकि जो साइट है वो बिज़ी चल रही है अभी। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको डालना पड़ेगा। पहले क्या था, ईमेल आईडी और कैंडिडेट मोबाइल नंबर नहीं डालना था, सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के और कैप्चा डाल के अपना डाउनलोड सबमिट कर सकते थे। तो यहाँ से आप सेम तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड हो गया, यानी डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो गया। इसी तरह से आपको डाउनलोड करना है, बहुत जल्दी ही हो सकता है अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है ये आ जाए रिजल्ट। बहुत टाइम से मैं भी इसका चेक कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा फ़ौरन आपको जो है अपडेट दे दिया जाएगा क्या कट ऑफ रही है, और फिर मार्क्स वर्सेस रैंक का एनालिसिस दे देंगे आपको। सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, थैंक यू।